सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इस तरीके से जिप का लेग वाला पोर्शन है। मैं मेंस की जीन्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो नीचे से स्ट्रेट होती है, यहाँ से थोड़ा बॉटम उसका लूज होता है। तो इस तरीके से जीन्स के बॉटम पार्ट में से यहाँ लंबाई में हम एक रेक्टेंगल पीस लेंगे। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ इसे, 8 इंच इसकी विड्थ है और इसकी लंबाई लेनी है आपको 24 इंच, 24 इंच लंबाई, 24 इंच लंबाई और 8 इंच विड्थ। इस पीस को लंबा लंबा लंबाई में इस तरीके से कट कर, मैंने कट कर लिया 8 बाय 24 इंच का एक लंबा पीस कट कर लिया है। और मैंने क्या किया है, ये सूट में से बचे हुए पीसेस थे सूट के साइड में से, तो उसमें से मैंने 2 पीसेस कट किए हैं। इनके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है, ये है 8 बाय 8 इंच के 2 पीसेस हैं। चलिए हम बैग बनाना शुरू करते हैं, बस हमें ये 3 पीसेस ही चाहिए। तो चलिए बैग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसका सेंटर पॉइंट ले लीजिए, जो हमने ये कपड़ा लिया है पुरानी जीन्स में से। सेंटर पॉइंट पे निशान लगाया, ये कपड़ा लीजिए, इसका भी सेंटर पॉइंट ले लीजिए। सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट पे रखा, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। यहाँ से 1/4 इंच यहाँ से छोड़ दीजिएगा और 1/4 इंच यहाँ से छोड़ दीजिएगा। यहाँ से लेके यहाँ, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इस पर सिलाई लगा दी, तो ये इसके साथ अटैच हो गया। अब सेम जैसे ये अटैच किया, और यहाँ से मैंने 1/4 इंच यहाँ से छोड़ दिया है और 1/4 इंच यहाँ से छोड़ दिया है। अब दूसरी तरफ लीजिए, जो सेंटर पॉइंट लिया है सेम इसका सेंटर पॉइंट लीजिए। सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट के पास ऊपर रखा, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली, 1/4 इंच यहाँ से और 1/4 इंच यहाँ से छोड़ दिया। तो ये मेरा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, देखिए 2 पीसेज यहाँ पे और एक ये लंबा पीस। अब पहले हम इसे साइड से शेप देंगे। शेप देने के लिए क्या करना है, इसे इस तरीके से फोल्ड कीजिए। फोल्ड करने के बाद 1 इंच आपको यहाँ से लेना है, 1 इंच, और इसे तिरछा मिला दीजिए। यहाँ से 1 इंच और अब इसकी कटिंग कर लीजिए। ये मैंने इसकी कटिंग कर दी, तो ये हमारी इस तरीके से शेप आ गई। जैसे शेप यहाँ दी है वैसे ही 2, 3 और 4 इन तीनों कॉर्नर्स पे भी सेम ऐसे ही शेप दे दीजिए। ये देखिए मैंने शेप दे दी यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, चारों तरफ सेम तरीके से शेप दे दी। अब आपको क्या करना है, पहले हम इसकी चारों कॉर्नर्स फिनिश करेंगे। उसके लिए मैंने जीन्स में से 4 स्ट्रिप ली हैं, चारों के मेजरमेंट सेम है, इसकी विड्थ इसके बराबर है, और ये मैंने ली है 1.5 इंच की पट्टी। अब आपको करना क्या है, ये पट्टी रखी इस तरीके से, इसके ऊपर ये कपड़ा रखा, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इस पर सिलाई लगा ली। अब इस पट्टी को दूसरी तरफ को फोल्ड कीजिए और ऐसे पाइपिंग सी बनाते हुए इस तरीके से पाइपिंग यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली, एक्स्ट्रा कट कर लीजिए। तो ये मेरा ऊपर से फिनिश हो गया। जैसे यहाँ से फिनिश किया है वैसे ही 2, 3 और 4 चारों कॉर्नर इसके इसी तरीके से फिनिश कर लीजिए। सेम ऐसे ही देखिए पट्टी ली इस तरीके से, इसके ऊपर ये रखा, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। अब इसे भी इस तरफ को फोल्ड कीजिए और ऐसे पाइपिंग सी बन जाएगी इसकी, देखिए इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। तो 1, 2, 3 और 4 चारों कॉर्नर्स फिर, ये देखिए मैंने फिनिश कर लिया, 1, 2, 3 और 4 चारों कॉर्नर मेरे फिनिश हो गए। अब आपको क्या करना है, इसे इससे ज्वाइन करना है, इसे इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो चारों को हम आपस में ज्वाइन करेंगे।
तो एक एक करके शुरू करते हैं। यहाँ से इसे ऐसे पकड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इस पर सिलाई लगा, तो ये मेरा ज्वाइन हो गया। अब इसको और इसको हम आपस में ज्वाइन करेंगे। तो अब इसे ऐसे पकड़िए, यहाँ से बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। उसके बाद ये दोनों पीस और ये दोनों, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली। अब ये तीसरे वाला लीजिए, इसे ऐसे पकड़िए, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। उसके बाद ये फोर्थ वाला ऐसे पकड़िए और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। तो इस पर सिलाई लगा लीजिए और इस पर सिलाई लगा लीजिए। देखिए 1 2 3 4 चारों कॉर्नर को मैंने आपस में सिल दिया। अब आपको क्या करना है, जो रफ एजेस हैं पहले हम इन्हें फिनिश कर देते हैं। 1 2 3 और 4 चारों हम फिनिश करेंगे। उसके लिए क्या करना है, इस तरीके से कोई भी कपड़ा ले लीजिए, यहाँ से फोल्ड हुआ हुआ है ये, यहाँ से फोल्ड किया, यहाँ से फोल्ड किया, इस तरीके से ऐसे फोल्ड किया, ये लिया। अब आधा नीचे की तरफ आधा ऊपर की तरफ, आधा नीचे आधा ऊपर। आप चाहे तो जो पतला पाइपिंग वाला कपड़ा है वो भी ले सकते हैं। अब यहाँ से लेके इसे यहाँ तक पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। ऐसा ही 1 2 3 और 4 चारों कॉर्नर को हम फिनिश कर। ये देखिए मैंने चारों कॉर्नर पे इसके पट्टी लगा दी, 1 2 3 और 4। अब इसे सीधा कर लीजिए, प्रॉपरली कॉर्नर से इसके निकाल लीजिए। तो इसका बेस काफ़ी अच्छा बनता है और ये इस तरीके से देखिए, ये इस तरीके से आ गया। अब हम पहले इसके लिए इस तरीके से मैंने जीन्स में से कपड़ा लिया है, इसके मेजरमेंट बता देती हूँ। 2.5 इंच लंबाई आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं, वैसे मैंने लिया है 21 इंच। अब करना क्या है, 1 फोल्ड 2 फोल्ड और 1 और फोल्ड और इसे सिलाई लगा लीजिए। एक स्ट्रैप ये और एक स्ट्रैप ये, दोनों स्ट्रैप रेडी कर ली। ये देखिए मैंने दोनों स्ट्रैप रेडी कर ली। अब आपको क्या करना है, हम इसे बैग के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करते हुए यहाँ पे एक स्ट्रैप इस तरफ ऐसे बैग के, और एक स्ट्रैप इस तरफ सिलाई मशीन से अटैच कर ली। मैंने स्ट्रैप अटैच कर ली, एक यहाँ, और सेम एक स्ट्रैप यहाँ पे और एक स्ट्रैप यहाँ पे। अब हमें क्या चाहिए, अभी हम यहाँ पे इसके बटन एनक्लोजर के लिए पट्टी बनाएंगे। उसके लिए इस तरीके से मैंने कपड़ा लिया है, उसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। ये है 1.5 इंच और इसकी लंबाई है अप्रॉक्सीमेट 8 इंच। अब आपको क्या करना क्या है, इसे फोल्ड किया, इसे फोल्ड किया, फिर एक और फोल्ड किया और इस पर सिलाई लगा लीजिए। तो ये पतली सी हमारे पास स्ट्रिप बन, मैंने सिलाई से इसे रेडी कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसे यहाँ पे इसे रखिए, यहाँ पे रखिए इसके सेंटर में, और यहाँ सिलाई से इसे अटैच कर लीजिए। ये बटन एनक्लोजर के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छे से सिलाई से, इसे सिलाई से अच्छे से अटैच कर लिया। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पर इस तरफ एक बटन लगा लीजिए, कोई भी बटन हो आपके पास, तो ये बटन के साथ बटन एनक्लोजर वाला बन जाएगा। मैंने बटन लगा दिया और बटन से इसे क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से मेरा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, विद स्ट्रैप फ्रंट साइड, बैक साइड और यहाँ बॉटम, बॉटम से भी काफ़ी इनफ स्पेस है। तो ये मेरा बैग बिल्कुल विद स्ट्रैप रेडी टू यूज़ है।